नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। कसेरियों के छेदी प्रजापति का 200 बोज गेहूं आग से जलकर हुआ राख। लव सिंह गहलोत एडवोकेट ने तुरंत हल्का लेखपाल को फोन कर घटना से कराया अवगत। थाना व तहसील रानीगंज प्रतापगढ़ के अंतर्गत छेदी प्रजापति सुध भगवती दीन मुसलमान बस्ती के पास गेहूं का 200 बोझ मड़ाने के लिए घर पर इकट्ठा किए हुए थे। आज शाम को ट्रैक्टर आने को कहा था, परंतु गेहूं मड़ाने से पूर्व ही आज दिनांक 1 अप्रैल को लगभग 4 बजे शाम को ही कहीं से आग की आई एक चिंगारी रखे हुए गेहूं के बोझ पर गिरी, जिससे रखे गए 200 गेहूं के बोझ में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा गेहूं का बोझ आग की लपट में जलकर खाक हो गया। ग्राम सभा के तमाम लोग इंजन चलाकर पानी डालकर आग को काबू में किया। यदि आग यही नहीं बुझी होती तो चल रही पछुआ हवा से गांव में आग से भारी तबाही मच जाती। सूचना पर फायर ब्रिगेड व रानीगंज थाना के सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार व हेड कांस्टेबल राधेश्याम राय भी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे। यह खास रिपोर्ट थी रमेश पासी की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ। नमस्कार, समस्त क्षेत्रवासियों को वार्ड नंबर 9 पूरे भागी नगर पंचायत रानीगंज प्रतापगढ़ के सभासद रंजीत मौर्य की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों से अपील है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए होली मनाएं। धन्यवाद।